इस वक्त हम चाकुओं की एक दुकान पर हैं। चाकू की दुकान पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये चाकू खास है। ये चाकू चीन को ताइवान का जवाब है। आप पूछेंगे कैसे, चलिए आपको भी दिखाते हैं। दरअसल ये चाकू बड़े खास इसलिए हैं क्योंकि इन्हें चीन की तरफ से ताइवान पर दागे गए फौलाद से बनाया गया है। यानी ये उन तोप के गोलों से बनाए जाते हैं यहाँ पर जो चीन की तरफ से दागे गए, और एक दो नहीं बल्कि अगर बीते कुछ सालों की बात करें, कुछ दशकों की बात करें, तो चीन ने इस छोटे से द्वीप पर जहां हम मौजूद हैं, ये खिनमिन द्वीप है ताइवान का, और ताइवान के इस खिनमिन द्वीप पर महज 150 किलोमीटर के इस द्वीप के ऊपर चीन ने बीते कुछ सालों के दौरान 10 लाख से ज्यादा गोले दागे हैं। ये बात अलग है कि अब गोलों को दागने का सिलसिला बंद हो गया है, खत्म हो गया है, लेकिन किनमिन ने इसे अपने लिए एडवांटेज की तरह इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि अब ये किनमिन जैसे द्वीप के लिए स्टील की फौलाद की एक सप्लाई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गोलों को इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है, और ये तमाम गोले जो आप देख रहे हैं ये पुराने गोले हैं, तोप के गोले हैं, और इन तमाम गोलों को चीन की तोपों की तरफ से डाला गया है। कभी इनके अंदर बारूद होता था तो कभी इनके अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना के प्रोपेगेंडा के पर्चे भेजे जाते थे, और ये प्रोपेगेंडा के पर्चे इस तरीके के गोलों के अंदर भर कर रखे जा भेजे जाते थे यहाँ पर और दागे जाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, उन्हें पढ़ सकें, और उनके जरिए लोगों में प्रचार किया जाता था। प्रचार किसका किया जाता था? चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का किया जाता था, माओ ज़ेडुंग का किया जाता था उस समय में 1950 के दशक में। और करीब 10 लाख गोले अगर किसी छोटे से द्वीप पर दागे गए हों तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गोले किस संख्या में मिलते होंगे। तो यहाँ पर ये तमाम आंकड़े बताए गए हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर यहाँ पर अब भी लगातार गोले मिल रहे हैं। और 1996 से ताइवान को ये आइडिया आया कि क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, और उसके बाद से ही ये शुरू कर दिया गया कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के या और जो गोले दागे जाते थे उनका इस्तेमाल किया जाए चाकू बनाने के लिए। और एक खास बात और, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के या सूचना युद्ध के जो गोले दागे जाते थे जिनमें पर्चे भेजता था चीन, वो तमाम पर्चे जो है, वो तमाम गोले जो थे वो ऑड नंबर डेट्स को दागे जाते थे, यानी महीने की 1 तारीख को, महीने की 3 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को, इस तरीके से। लेकिन इवन नंबर डेट पे यानी किसी महीने की 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख को ये गोले नहीं दागे जाते थे। अब इसका राज क्या था ये तो चीन के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इन गोलों का इस्तेमाल अब लगातार किनमिन के लोग, ताइवान के लोग चाकू बनाने के लिए कर रहे हैं, और ये यहाँ एक बड़ा फलता फूलता कारोबार है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर आके ये गोले जहाँ उन्हें मिलते हैं, कहीं मिलते हैं तो आके उन्हें जमा कर देते हैं, उसके उन्हें दाम मिलते हैं, और उसके बाद किस तरीके से उसके फौलाद को गलाकर, इन गोलों को गलाकर उससे यहाँ चाकू बनाए जाते हैं। और बाकायदा ये एक फलता फूलता कारोबार है, फलती फूलती इंडस्ट्री है। लेकिन 1958 में सबसे ज्यादा यहाँ गोले दागे गए क्योंकि ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस के दौरान यहाँ पर एक दिन में, और महज एक दिन ही नहीं कहा जाए, 23 अगस्त 1958 को जब ये लड़ाई शुरू हुई, जब चीन की तरफ से गोलाबारी शुरू हुई, तो उस दौरान महज 85 मिनट में, यानी 1.5 घंटे से भी कम के दौरान 4,79,000 गोले दाग दिए गए। और इतने में माना जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे करीब करीब 3,000 गोले दागे गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ करीब 100 के गोलों की बारिश ही हुई होगी, और इस बारिश का अब इस्तेमाल हो रहा है, इसकी फसल का इस्तेमाल हो रहा है, और ये तमाम तोप के गोले और इनका जो फौलाद है अब ताइवान अपनी तकनीक से इसका इस्तेमाल कर रहा है। मैंने ये ताइवान की तकनीक का चीन को जवाब।